नमस्ते। लाइटर जो है वो एंजल म्यूजिक पे आ गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा लाइटर, तो मैं आप लोग को बता दूं कि पवन सिंह का एक गाना है लाइटर, जो कि एंजल म्यूजिक पे आया है। अब बात करें इस गाने के बारे में तो भाई क्या ही बात करें, नहीं ही बात करेंगे ना तो बेहतर होगा, क्योंकि बात करेंगे तो सच बोल देंगे, और जब सच बोल देंगे तो कुछ लोग ऐसे भी पड़े हुए हैं, मतलब हर एक जगह, कि उनको बड़ा बुरा लगता है। लेकिन वास्तविकता यही है कि गाने का जिस तरीके से पोस्टर बनाया गया था, गाना का जिस तरीके से नाम रखा गया था, अरे महाराज शर्म करिए, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप जाके उस गाने को सुनिएगा भी तो वो फील नहीं आएगा, देखिएगा वीडियो तो वो भी फील नहीं आएगा। और यह सिर्फ इसी गाने के साथ नहीं है, पवन सिंह के लगातार जो 5-6 गाने आए हैं वो सारे के सारे गानों के साथ ऐसा हो रहा है। चाहे आप ये गाने को ले लीजिए, या फिर VYRL भोजपुरी से आया था, वो भी गाना कोई खास नहीं था। ऐसा नहीं कि वो बहुत बढ़िया गाना था, वो तो ट्रेंडिंग चैनल था, ट्रेंडिंग में चला गया वो गाना, इसलिए जो है आज उस गाने पे 7-8 मिलियन व्यूज भी आ गए। नहीं तो ये भी 2-3 मिलियन से ज्यादा व्यूज जाने वाला गाना नहीं था। एक गाना जो कि सिलेक्ट किया गया है, रोवे ले रहुराई, ये गाने के बारे में तो आप बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जोनर ही अलग है। लेकिन उसके अलावे जो पवन सिंह के लगातार इन दिनों सब गाने आ रहे हैं, कौन सिलेक्ट कर रहा है भाई? दीपक सिंह। हमको एक चीज मतलब पता नहीं, पहले बताया गया था, अब वो कितना हकीकत है कितना नहीं है, कि जो पवन सिंह के पहले जितने भी गाने आए थे, चाहे वो पियर फराक वाली हो, राजा जी के दिलवा टूट जाए, या फिर हरी हरी ओढ़नी, मतलब लगातार जो हिट कर रहे थे, कमरिया पत्रे पत्रे, ये सब गाने का सिलेक्शन पता है अमित सिंह जी ने किया था। और उनका गाना लगातार जो है, जब भी वो सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो पहले भी करते थे या अभी भी किए, लगातार जितने गाने अमित सिंह ने सिलेक्ट किए हैं वो सब हिट होता था। और पवन सिंह के कम से कम किसी भी गाने पे 10 मिलियन व्यूज जाता था। और आज देखिए, आज जितने भी गाने सिलेक्ट कर रहे हैं, शायद से दीपक सिंह कर रहे हैं, और जितने भी गाने सिलेक्ट कर रहे हैं 2 से 3 मिलियन जा रहा है। तो भैया आप एकदम हाथ जोड़ के हमको विनती है कि ऐसे गाने का सिलेक्शन मत करिए, और आपको नहीं आ रहा है सिलेक्शन करने तो छोड़ दीजिए सिलेक्शन करना, अमित सिंह को ही सिलेक्शन करने दीजिए। देखिए पवन सिंह हमेशा से एक मतलब ब्रांड के तौर पे जाने जाते हैं, और ब्रांड को मेंटेन भी करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी गाने लाने हैं तो कुछ भी बना के परोस दे रहे हैं, एक ही लोकेशन पे 10-10 गाने शूट कर दे रहे हैं। अब देखिए वो आपके चमचे यूट्यूबर नहीं बोलेंगे जो आपके आगे पीछे घूरते हैं, हकीकत हम कह रहे हैं, नहीं बोल पाएंगे उन लोग, उन लोग को मतलब ही नहीं, वो लोग को पोस्टर देख के भी नहीं बनाएंगे कि हाँ आपका गाना आ रहा है नहीं आ रहा है। और वैसे भी तो आपका 2 या 3 लोग है, खैर कोई बात नहीं है। तो मतलब आप ही लोग डिसाइड करिए कि क्या मतलब पवन सिंह को हम लोग इसलिए जानते थे ऐसे गानों के लिए, जो आजकल गाने आ रहे हैं क्या सही गाने आ रहे हैं? और अगर सही आ रहे हैं तो 2 मिलियन 3 मिलियन 1.5 मिलियन पे क्यों रुक जा रहा है भाई? क्योंकि पवन सिंह का तो मिनिमम 10 मिलियन गाना जाता था, वो चाहे कितना भी खराब गाना क्यों ना हो, तो वो उससे भी खराब गाने सेलेक्ट यहां पे हो रहे हैं, इसलिए 2-3-4 मिलियन में ही फंस जा रहे हैं। लगातार क्यों ऐसा हो रहा है, लगातार फ्लॉप 3-4 गाने हो गए पवन सिंह को। तो जब से मतलब हम वीडियो बना रहे हैं आज तक नहीं देखे कि कभी 3-4 गाने पवन सिंह का आए 3 मिलियन 4 मिलियन पे ही रुक जाए। तो गाने का ढंग से सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, गाने को कैसे शूट करना है ये भी नहीं पता चल रहा है। बताइए इतना लाइटर नाम रख के गाने को कैसे दिखाया गया है? मतलब मैं तो खोला तो यार मेरा मतलब दिल जो है ना वो टूट गया भाई, क्या हो रहा है ये? अब वायरल वाला को ही देखिए, इतना बढ़िया पोस्टर बनाया गया, वीडियो क्वालिटी क्या है? बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कम से कम अगर वीडियो क्वालिटी नहीं देना है तो लिरिक्स तो अच्छे सिलेक्शन करिए, लिरिक्स तो अच्छा चुनिए। मिलते अगले वीडियो में, लव यू ऑल। हाँ कुछ लोग ये भी कहेंगे कि तू ही जाके करो, कहे नहीं सब कम हुआ, अरे कहा था तो हम ही सब कुछ करेंगे, तो वहां बैठे कहे हैं उन लोग।